पढ़ेंगे हम. सही है, सही है. थैंक यू सो मच. आप जाएं कुछ खाएं पिए, कॉफी पिए. मैं जूस पी के आता हूँ. एक्सीलेंट, परफेक्ट. बहुत सारी तालियां वासिफ के लिए, हमारे कॉन्टिक्यूट के लिए. अब वक्त है आज के दिन की, क्योंकि हम बात करते हैं हमेशा रोज की टेंशन. तो जी हाँ, रोज की टेंशन में आज हमारी टेंशन कैसे दूर होनी है, लेट्स गो एंड फाइंड आउट. शेफ मदिया हमारा वेट कर रही है इन हर काउंटर. सो अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप सब? प्लीज प्लीज एक दफा शेफ मदिया जैसे बोलती है वैसी जवाब दें. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हाउ स्वीट. क्या अच्छा हो रहा है, आज की टेंशन कैसे दूर कर रही है बताएं? आज की टेंशन मैं ऐसे दूर कर रही हूँ कि अगर आपके घर में रात को आपने चावल बॉईल करके रखे हैं, फॉर इंस्टेंस बच्चे ज्यादातर डिमांड कर देते हैं कि दाल के साथ चावल बॉईल कर दें, मुर्गी का सालन बना है तो चावल बॉईल कर दें, वो चावल अगर बच गए हैं तो उनको वेस्ट ना कीजिए, फ्रिज में रख दें. सुबह वो चावल रखकर आप उससे फ्राइड राइस बना सकते हैं, एक नई डिश बना सकते हैं फॉर लंच. क्या बात है. तो आज फ्राइड राइस. अब देखिए, मैं रोज की टेंशन कम कर रही हूँ ना, तो मैं आपको इजी और सस्ती चीजें किस तरह बनाते हैं वो बताना स्टार्ट करती हूँ. देखिए, मजे की बात एक और भी है शेफ मदिया, ये बच्चे जो है ना सब्जियाँ शौक से नहीं खाते. आई नो, ऐसे ही है ना. दिस इज अ वेरी नाइस वे ऑफ मेकिंग श्योर कि वो सब्जियाँ भी उनके पेट पे चले जाए. एग्जैक्टली, जो सब्जी डालना चाहते हैं, चिकन, फिश, प्रॉन्स, एनीथिंग. कोई सब्जी नहीं मैं कहने मतलब मीट भी अगर डालना चाहते हैं वो नहीं खाते, तो किस तरीके से करना चाहिए वो हम यहाँ देख लेते हैं. yes. मैंने जो है ना मेथड के साथ साथ मैं चीजें ही बताती जाती हूँ कौन सी कितनी डालनी है. मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल ऐड किया, ऑयल कर दिया है. ऑयल ऐड करके हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे. अदरक लहसुन का पेस्ट, बिल्कुल ठीक. स्पून चाहिए होगी उसके लिए मुझे. ये स्पून आ गई जी. ठीक है, हमने ऑलमोस्ट ऐड करना है, 1 teaspoon फुल है. ओके ठीक है, एंड द अदर टीस्पून इज ऑलमोस्ट फुल. पूरी भरी नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट. डेढ़ से पौने, तो अगेन डिपेंड करता है. लेकिन अगर आपके पास अगर आपके पास 2 teaspoons है तो वो भी इट्स वेल इनफ, गुड इनफ. ठीक है, कोई मसला नहीं. अच्छा, इसके बाद हम इसके अंदर मैरिनेट की हुई चिकन है. मैंने चिकन मैरिनेट की थी, मेरे पास पार्सले था, पार्सले के साथ थोड़ा सा मैंने इसके अंदर लेमन ऐड किया है, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया है, पेपर ऐड किया, सीजनिंग जो नॉर्मल करते हैं वो करके मैंने इसको रख दिया था फॉर लाइक 15 मिनट्स. और स्ट्राइप्स हैं चिकन के, स्ट्राइप्स को हम अच्छे तरीके से मैरिनेट करने के बाद जो है. नादान सवाल पूछ सकती हूँ जी, क्योंकि देखिए ना, एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे तो प्रिपरेशंस हुई भी हैं. वो खवातीन जो घर में बैठी हैं और उनका बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा किचन में ज्यादा काम करने का, उनके बच्चे आने वाले हैं दोपहर को स्कूल से, तो अब उनको टेंशन है कि लंच में क्या हो. रात को बिरयानी बनाई थी, उसे कुछ सफेद चावल बचे हुए फ्रिज में रखे हुए. अब चिकन अगर मेरे पास, मैंने मैरिनेट नहीं की हुई है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं अपनी किसी सालन की चिकन को निकाल लूं, उसको यूटिलाइज कर लूं? आप कर सकते हैं, जैसे बिरयानी ही, जैसे बिरयानी ही आपने एग्जांपल दिया, बिरयानी की बोटी आप उसके अंदर ऐड कर सकती हैं. लेकिन इट्स जस्ट दैट कि वो घर का खाना है ना, तो घर के खाने में एक डिफरेंट चीज आ जाती है. होटल का खाना होता है, रेस्टोरेंट का खाना होता है, तो उसमें ये डिफरेंट होता है कि नहीं, हमें परफेक्शन चाहिए, हमें खूबसूरत चीज परफेक्ट दिखानी है. लेकिन अगर आपके पास चिकन के पीसेस तैयार रखे हुए तो आप वो बच्चों को दे सकते हैं. लेकिन याद है कि उसमें हल्का बहुत टेस्ट थोड़ा फर्क आएगा. ऑफ कोर्स आएगा, ऑफ कोर्स आएगा. ये जो फ्राइड राइस है, हम जब यूजुअली बाहर जाते हैं रेस्टोरेंट में खाते हैं तो बहुत महंगी होती है, 250-300 रुपए तक की भी डिश मिलती है आपको. और मैं बताऊँ ये कितने की बन रही है? कितने की? 200? 150. 150? और भी कम. और घर की प्रॉपर आपने आपके आंखों के सामने बनी हुई चीज, वो ऑफ कोर्स उसकी सफाई सफाई हर चीज का ख्याल होता है. सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज वही होती है. अच्छा, ये हमने इसमें चिकन डाल दिए. चिकन को हम थोड़ा सा पकाएंगे, जब व्हाइट कलर हो जाएगा चिकन का थोड़ा सा, तो फिर इसके अंदर हम वेजीज भी ऐड कर देंगे, और हम इसके अंदर जो है सारे के सारे हमारे मसाले जो है वो भी ऐड कर देंगे. मसाले बता देती हूँ जल्दी से, मुझे लगता है टाइम जो है हमारे पास शॉर्ट पड़ जाता है. बिल्कुल, मैं भाग रही हूँ फिर. हाँ, आपको समझ आ गया होगा. मैं अब यहाँ से ओके, ब्लैक पेपर, काली मिर्च है मेरे पास यहाँ पर पिसी हुई, वो रखी है, वो थोड़ा सा ऐड करेंगे, ऑलमोस्ट 1 teaspoon मिनिमम भी. ठीक है, सॉल्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 pinches, इससे ज्यादा नहीं. हमारे पास चिकन पाउडर है, थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड करेंगे. अगर आपके पास चिकन घर पे ना हो तो कोई और चिकन ऐड करने से बेटर आइडिया ये भी हो सकता है कि आप चिकन पाउडर ऐड कर लें कि बच्चों को फ्लेवर आ जाएगा चिकन का, तो वो खा लेंगे. ठीक है, सोया सॉस हमारे पास यहाँ पर, सोया सॉस हम इसके अंदर 2 tablespoon ऐड करेंगे.
एक जो है वो मैंने गाजर यहाँ पर स्ट्राइप्स में मतलब माचिस की तीलियां जैसे होती हैं वैसे काटने बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए. गाजर बहुत अच्छे हैं सीजन में आए हैं और ये चाइना वाले नहीं है पाकिस्तानी. एग्जैक्टली. और सीजन सीजन के साथ साथ दूसरी चीज ये कि गाजर देखकर एक फीलिंग जो आती है ना आंखों को सुकून मिलता है. मैं तो समझ रही थी हरियाली को देखकर आते हैं इनको. मुझे तो गाजर देख के सुकून आता है कि नहीं मेरी आंखें कैसे जाएंगी. हर इंसान का अपना अपना होता है कोई बात नहीं. चले आपको स्प्रिंग अनियंस हमारे पास स्प्रिंग अनियंस ऑलमोस्ट जो है वो हमारे पास 2 टेबल स्पून है. और शिमला मिर्च है वो भी हमने स्ट्राइक से काटे. कैबेज है वो भी हमने ऐसी काटी. अरे जब तक अभी स्ट्राइक करी मेरे पास एक कॉलर है तो लेट्स टेक द कॉल. हाफिजाबाद से कॉलर है. हेलो अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रही है? सबा बात कर रही हूँ. एंड गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग सबा. कैसी हैं? A1 इज फाइन. आप सुनाएं आप कैसी हैं? आप जैसी बिल्कुल अच्छी. ये तो फिर गुड हो गया अगर आप मेरी जैसी हैं तो. देख ले आप बिल्कुल जबरदस्त. अच्छा मुझे बताएं हाँ. क्या कहेंगी आज जल्दी जल्दी. इससे पहले मुझे ये जो आप दोनों ही बहुत क्यूट लगती हैं पर जो शेयर्स है ना वो सो क्यूट. थैंक यू सो मच. और सेकंड कहना था कि आज कोई मतलब के जैसे ये चावलों बचे हुए क्या बता रही है इसी तरह कुछ और भी बता रही है जो चीज बची है. फ्राइड राइस है सबा. ये फ्राइड राइस है. फ्राइड राइस घर में आप बना सकती हैं. आप कुकिंग का शौक रखती है? यू हैव हाँ थोड़ा बहुत. सबसे छोटी हो ना थोड़ा बहुत कभी छुट्टी. ये बहुत ही आसान सी रेसिपी जरूर ट्राई करेगा और अम्मी को सरप्राइज दीजिएगा. अम्मी आपको बड़े खुश हो. और इसी तरीके से मैं आगे भी आपको बताती रहूंगी जो भी चीजें हमें घर में बच जाती है इंशाल्लाह जरूर बताएंगे. जी मेरी जान बोले. तेल डालकर उसमें लहसुन पेस्ट को ब्राउन कर लें. फिर इसमें चिकन शामिल करके उसे पकाएं. जब चिकन पक जाए तो इसमें पहले से कटी हुई तमाम सब्जियां डाल दें. जिसके बाद इसमें उबले हुए चावल शामिल करते हुए नमक काली मिर्च चिकन पाउडर और सोया सॉस डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें. लीजिए चिकन फ्राइड राइस तैयार हैं. आईने ने कोशिश की थी जाने मथिरा के दिल का हाल. कुछ देर बाद देखिए बोल आईने बोल में आईना किसके सामने रखता है अपने सवाल. जागो जागो सुबह हुई. वक्त बहुत कम होता है हमारे पास और ये एक्टिविटी उससे भी कम वक्त में होने वाला है. चूड़ियां देख सकते हैं आप हमारे सामने बैंगल्स हैं. मैं इनको घुमा देती हूँ. अब इन 3 कंटेस्टेंट्स को करना ये है कि चूड़ियों का 2 डजन के सेट बनाने जिसका सेट सबसे खूबसूरत होगा और 2 डजन पूरे होंगे जो मैं काउंट करूंगी इन द एंड वो जीत जाएंगी. ट्विस्ट ये है कहानी में कि ये तमाम चीजें इनको एक ही मिनट में करना है और वक्त कम है हम सबके पास. तो जल्दी जल्दी शुरू हो जाए. शुरू हो जाए. आवाज नहीं आई यार. 1 2 3 गो. चलो जी 1 मिनट है. जल्दी जल्दी हाथ तेजी तेजी. गिने कितने दिखाइए मुझे. अच्छा जी फर्स्ट कंटेस्टेंट
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24. अच्छा 15 और इनके देखिए इनके भी काउंट करें जरा प्लीज लाइए प्लीज ये ज्यादा होंगी आई थिंक इधर आ जाएं आगे आ जाएं थ्री बिल्कुल हाँ यहाँ खड़े हैं दिखाइए अपनी फोर अपनी चूड़ियाँ हाँ फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन भागम भाग ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी चौबीस हो गए पूरे 24 उससे भी आगे हैं 30 तो होंगे इनके दौर से ढाई जीते नहीं जीते नहीं अभी इनको पकड़ा खूबसूरत देख रहे हैं ना 25 26 27 28 29 30 मतलब इनको पकड़ाए जरा चूड़ियाँ इसी तरीके से सेट तो बहुत फनी है आई आई सेंटर पे आ जाए अब आप लोगों की आवाज होनी चाहिए किसके सबसे ज्यादा खूबसूरत है सेट ठीक है चीटिंग नहीं होनी चाहिए सबसे पहली क्या नाम है अपना नाम बताएं नौरीन नौरीन दिखाएं जरा तालियां होनी चाहिए आई लाइक इट टू आपका नाम मेविश और फिर थर्ड में आपका नाम इरम इरम आपने देख लिया मदिया हाँ जी आप वर्डिक्ट दे रही है मैं दूं मैंने तो दे दिया तो कोई हेल्प नहीं की तालियां सबके लिए बराबर मैं बता देती हूँ ऑनेस्टली जो चीज खूबसूरत लगेगी चाहे वो अमाउंट कम ही क्यों ना हाथ में कम चूड़ियां ही पहनी हुई क्यों ना सही वो अमाउंट जीत नौरीन जीत चुकी है जी अच्छा जी वेरी क्विकली ये नौरीन के लिए है नौरीन के लिए बहुत सारी तालियां थैंक यू सो मच नौरीन गो एंड हैव अ सीट साथ हमारे पास थी आपके लिए फर्स्ट रनर्स अप प्लीज थैंक यू सो मच आप तीनों जा सकती हैं अपने बुजुर्गों को अच्छा जी शेफ मदिया ने भरपूर हमारे लिए मजेदार सा यम्मी सा डिश भी बनाया है और वो डिश रेडी हो चुकी है जो कि है फ्राइड राइस yes. अब ये आप लोगों को खिलाएंगे और आप लोग जरूर चेक करेगा और घर में भी ट्राई करेगा कि कैसे बनती है बहुत ही आसानी से प्लीज फीडबैक दें ताकि मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट जो है वो भी शो में बना सकूं चीजें जो आप लोगों को सीखनी है एक्चुअल में मुझसे और जो भी डिमांड है जो भी अगर आपको कोई चीज थोड़ी सी ऑफ लगती है थोड़ी सी खराब लगती है तो वही बता दें मैं बुरा नहीं मानूंगी मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी किसी को बिल्कुल भी नहीं मानती सबके लिए ओपन ग्राउंड है सब आके कंप्लेन कर सकते हैं बुरा बोल सकते हैं अच्छा बोल सकते हैं तारीफ भी कर सकते हैं जब जरूर तारीफ करें ओपन टू फीडबैक थैंक यू सो मच शेफ मदिया बहुत बहुत शुक्रिया आपका यू आर ऑलवेज वेलकम कल फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह चले जी जबरदस्त अब आप अपनी जगह पे चले जाएं थैंक यू सो मच बाय बाय एवरीवन अच्छा जी मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपनी टीम से कि हमारे यहाँ से एक्टिविटी टेबल हटा दिया जाए क्योंकि अब हमारे पास एक ऐसे मेहमान आने वाले हैं जो कि मैं ये बहुत आराम से कह सकती हूँ कि मुल्क का वन ऑफ द बेस्ट टेलको कंपनी से इनका ताल्लुक है टेलको इन द सेंस मोबाइल फोन्स हम सब इस्तेमाल करते हैं और बहुत खुशी से करते हैं और जब करते हैं तो फिर कई दफ़ा जब नेटवर्क नहीं आते तो नाराज़ भी होते हैं मोबाइल फोन्स का मसला ही कि अगर खुदा ना खास्ता लाइट चले जाए और मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए तो बहुत गुस्सा आता है कभी सिग्नल ना आए तो बहुत गुस्सा आता है लेकिन एक ये वो वाहिद कंपनी आई कैन से इट माई सेल्फ क्योंकि मेरी भी इनके साथ एफिलिएशन रह चुकी है काफ़ी अरसे से कि ये आपको कभी भी लेट डाउन नहीं करते मैंने इनके बारे में थोड़ा रिसर्च किया मैंने कहा ऐसे कैसे होता है तो मैंने देखा कि ये अपने कस्टमर्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं बहुत ख्याल रखते हैं अपने कस्टमर्स का तो जब कस्टमर्स का ख्याल रखेंगे तो ऑफकोर्स कस्टमर्स खुश होंगे तो बिजनेस भी अच्छा होगा ऐसे ही है सो लेट्स वेलकम आप लोगों के हमारे ऑडियंस के और मेरी बेतहाशा तालियों में विद अस वी हैव द चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ टेलीनॉर लेट्स वेलकम बिलाल काजमी चलिए जी आपने पहले ही पकड़ा दिया हमें ये ले जी बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच यहाँ पे बिल्कुल आप रख दें How are you, Bilal? Allah ka shukar hai, theek thaak. Aap sunaye, how are you? Zabardast, zabardast. Good to hear about that you are a satisfied customer. Absolutely. I think Telenor ke bahut sare satisfied customers hain. Aur ye aise hi nahi hota hai, Bilal. ये जब मेहनत डाला जाता है ना बिल्कुल तभी कहते हैं ना चीज जितनी शक्कर डालेंगे तभी मीठा होगा इसमें कोई बिल्कुल आप लोगों की एफर्ट है तो हम खुश हैं क्योंकि कस्टमर कभी झूठ नहीं बोलता नहीं सही सही बात है यहाँ पे तालियां बनती है यार कस्टमर फर्स्ट डे
क्या है ये, कौन सा डे, क्यों करते हैं? हर दिन कस्टमर डे नहीं होता? बिल्कुल सही कह रही हैं। हम ये वही वाली बात होती है ऐसे कि मदर्स डे के दिन आपको बोला जाता है, रोज मदर्स डे नहीं होता है। नहीं, एवरी डे इज कस्टमर डे, और टेनोर में हमारी ये सोच का अंदाज भी है कि हम कहते हैं हम एक कस्टमर सेंट्रिक कंपनी है। इसका मतलब ये है कि हम अपनी तमाम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हैं वो कस्टमर को जहन में रख के बनाते हैं। लेकिन कस्टमर फर्स्ट डे है जो कि हम पाँचवा साल है हमारा जबकि हम ये मना रहे हैं, और ये दिन हम सिर्फ टेलीनॉर, जब मैं टेलीनॉर कहता हूँ तो इससे मुराद टेलीनॉर पाकिस्तान नहीं है, टेलीनॉर मलेशिया, टेलीनॉर थाईलैंड, टेलीनॉर वर्ल्ड वाइड, पूरी जहाँ जहाँ टेलीनॉर के ऑपरेशंस हैं हम ये दिन मनाते हैं। और एक तरह से जो हमारी कस्टमर सेंट्रिसिटी, कस्टमर को सामने रखने की जो सोच है उसको हम री इन्फोर्स करते हैं। तो हमारा मकसद ये होता है कि उस दिन तमाम के तमाम मुलाजमीन जो हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस डिपार्टमेंट से हैं, इंजीनियरिंग से हैं, मार्केटिंग से हैं, HR से हैं, अपने लैपटॉप बंद करें, ठीक है, बाहर निकलें और कस्टमर से इंटरेक्ट करें, ठीक है। तो एक तरह से हम री इन्फोर्स करते हैं कि यार हमारी दुनिया जो है वो कस्टमर है, ठीक है, अगर आप कस्टमर को अंडरस्टैंड करेंगे तो जैसे आप कहीं थी बिजनेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो उस दिन हमारे स्टाफ फील्ड में जाते हैं, कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, उनकी सोच, उनके मसले, उनकी जरूरियात उनको समझते हैं। तो हम एक पूरे टेनोर में एक दिन हमने इसके लिए डेडिकेट किया हुआ है, और फिर वापस आके वो इनपुट को हम अपने डिजाइन प्रोसेसेस में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके हवाले से और बहुत कुछ जानेंगे हम सब, लेकिन मुझे सिर्फ एक जो ब्रेक का टाइम हो गया वो जानते हैं, जाने जाते आते मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या टेलीनॉर ने वो एक दिन डेडिकेट जो किया है वो कौन सा डे है, ये बता। वो जी 29 सितंबर है, सो परसों का दिन है, और परसों जितने भी टेलीनॉर कस्टमर्स हैं होशियार हो जाएं और अपने सारे जितने गिले शिकवे हैं, जितनी अच्छी बातें करनी है, फीडबैक देना है, उसके लिए रेडी हो जाएं, सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो 29 सितंबर इट इज। With this, we'll quickly go and take a break right now. जाएंगे वापस आएंगे, हमारे साथ बिलाल मौजूद है, बिलाल से बहुत सारी चीजें जानना है अभी, डोंट वरी, क्यों, कैसे, किधर, क्या, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा आराम आराम से। So stay with us, we'll be right back. पिछले हफ्ते रखा था बहुत ही हल्का हार, कुछ देर बाद देखिए करने से होगा में, वासिफ बताएंगे कौन सी काम की बात। सुबह हुई, वंस मोर हमारे साथ टेलीनॉर के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ टेलीनॉर पाकिस्तान मौजूद हैं। लेट्स वेलकम वंस अगेन बिलाल काजमी। आप लोगों की एकदम से वापस से तालियों की आवाज आनी चाहिए, तालियों की आवाज, और टेलीनॉर के लिए तालियां होंगी, जबरदस्त। अच्छा जी, अभी जैसे हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि एनी कंपनी इज एज गुड as you know its customers, if the customers are happy then the company does well, if the customers are not happy automatically business kam ho jata hai, and they've been very wise, unhone customers ko mashallah se proper tarike se handle bhi kar rahe hain, unke liye pura din dedicate kar rahe hain, and which is the 29th of September. ab all those customers who are out there, bahut hi simple tarike se hame ye samjhaye ki wo kya expect kare, a aapne 29th ka din to dedicate kar diya, kya har saal kisi kisam ka koi theme badalta rehta hai? Yeah, and how do you guys approach these customers? Yeah, dekhiye is bahut acha sawal hai, aur theme har saal badalti hai, har saal badalti hai. To is saal jo hamari theme hai wo hai safe internet, safe internet. aur yahan pe main dekh raha hu bahut se youngsters bhi baithe hain, aur us point of view se agar hum sirf 10 aur asia ko dekhe ji, to takriban 50 crore bacche aur youngsters jo hain unka jo internet se pehla exposure jo hai वो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए होगा। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो हम ये समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एज अ मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कि हम इंटरनेट के इस्तेमाल के बारे में यंगस्टर्स को और उनके पेरेंट्स को एजुकेट करें। बिल्कुल सही। तो ये सेफ इंटरनेट जो है हमारी थीम है 29 सितंबर को।
तो इस दफ़ा ये होगा कि हमारे टेनोर पाकिस्तान के तमाम मुलाज़मीन, जैसे हमने पहले बात की, वो ऑफिस से बाहर निकलेंगे और वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में स्कूल्स में जाएंगे। ओके। वहाँ पे हमने कुछ क्या कहते हैं ट्रेनिंग की है अपने स्टाफ की, और वो फिर छोटे छोटे वर्कशॉप्स करेंगे स्कूल्स में यंगस्टर्स के साथ। That's और fantastic. उनको आगाही देंगे, उनको तालीम देंगे कि सेफ इंटरनेट क्या होता है और उनको इंटरनेट इस्तेमाल करने में किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। दैट्स ब्यूटीफुल। आई थिंक ये एक वही, अगेन मैं तो कहती हूँ एक CSR एक्टिविटी बन गई आपकी, बिकॉज वही है, जब तक आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, अवेयरनेस नहीं होगी, यू विल नॉट नो व्हाट ऑल नॉट टू डू। और हमारे बच्चों को तो एक इशू है ना, माँ बाप बोले तो अक्ल नहीं आती है, जब कोई दूसरा बोलता तो सब समझ में आता है। तो आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल वे ऑफ गेटिंग टू दीज यंगस्टर्स एंड टेलिंग देम कि इसकी क्या क्या यू नो डिसएडवांटेजेस है और क्या एडवांटेजेस है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये आप करेंगे तो सही, आपके लोग भी जाएंगे, आपको लास्ट टाइम, दिस इज द फिफ्थ ईयर आई बिलीव। हाँ जी, हाँ जी। कैसा फीडबैक जनरली मिलता रहा है आप लोगों को? फीडबैक तो जी मेरा ख्याल है कि वो एक दिन जो है हमारे पूरे साल को ड्राइव करता है। okay. क्योंकि एक तो ये कि जैसे मैंने पहले कहा, ठीक है आपकी हमारी फिलॉसफी है कस्टमर सेंट्रिसिटी, लेकिन स्टाफ मिसाल के तौर पे समबडी इन फाइनेंस जो कि सुबह शाम जो है बिजनेस परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं, वो जो अपने ऑफिस से निकलते हैं, कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, यहाँ पर यंगस्टर से इंटरेक्ट करेंगे, उनको एजुकेट करेंगे, तो वो एक नई एनर्जी के साथ वापस कंपनी में आते हैं और फिर वो एनर्जी जो है वो आपको अपने सारे डिसीजन मेकिंग में और सारे प्रोसेसेस में और सारे डिज़ाइन में नज़र आती है। तो फिलहाल ऐसा भी है ना, आई एम सॉरी आपने आपकी बात इंटरप्ट करी, लेकिन ऐसा भी है कि ना जब आप एम्प्लॉयज जब जाते हैं कस्टमर्स के पास, तो देन फिर वो काम उनके लिए एक स्टेप अहेड आ जाते हैं और वो एक मॉरल ऑब्लिगेशन भी आ जाता है, वो सिर्फ अपने पैसों के लिए नहीं कमा रहे होते। हाँ जी, हाँ जी। देन दे वांट टू डू मोर फॉर देयर कस्टमर। बिल्कुल। और यही हुआ है कि ये वो सोच है कि आपका असल काम कस्टमर को सर्व करना है, ठीक है। सो कुछ तो वो एक तरह का क्या कहते हैं, हम सब की आंखें खुलती हैं जब आप जाते हैं, कस्टमर्स की दुनिया को समझते हैं, ऐसे लोग जिनके ये रोज़मर्रा के काम का ये हिस्सा नहीं होता। बिल्कुल, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि फिर जब हम आपस में कस्टमर्स के बारे में बात करते हैं तो हम एक पेज पे होते हैं, ठीक है। तो एक बेस लाइन है कि यार, और कई तरह बड़े मजे मजे कहानियाँ आती हैं, मैं कस्टमर के पास गया, उसने मुझे ये बताया, उसने मुझसे मैंने ये सीखा, आप ये क्यों नहीं करते, तो पूरा जो एक नैरेटिव है जो कंपनी के अंदर गुफ्तगू होती है उसको एक फ्रेश इम्पेटस मिलता है। तो यस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर अस, और जैसे मैंने कहा कि हम समझते हैं कि वो एक दिन हमारे अगले पूरे एक साल को ड्राइव करता है। आई एम श्योर कस्टमर्स, आई एम श्योर वुड एंड अप आस्किंग यू क्वेश्चंस जो आप सोचते होंगे, हम तो समझ जाते कि उनको पता ही होगा, एंड देन वो आपके फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस के हिस्से भी बन जाते होंगे। अच्छा जी, एक तरफ कस्टमर्स की अगर हम बात करते हैं तो मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी, यहाँ पे आपके बहुत सारे कस्टमर्स होंगे जी हाँ, मुझे बताएं अगर कुछ इंटरनेट सेफ्टी के हवाले से कोई टिप्स देना चाहते हैं या हमारी व्यूज जो देख रहे हैं, इफ दे आर टेलीनॉर कस्टमर्स और इवन अदरवाइज, एक आई एम श्योर जो नहीं होंगे वो सोचेंगे यार हम क्यों नहीं है टेलीनॉर के कस्टमर्स, जरूर जरूर ज्वाइन करें टेलीनॉर। एब्सोल्युटली, बिकॉज इट इज वन ऑफ द वाइडेस्ट नेटवर्क्स इन द कंट्री माशाल्लाह, एंड यस कंटिन्यूइंग टू ग्रो, एंड वी विश यू गाइस द बेस्ट। थैंक यू। लेकिन मुझे बताएं कुछ इंटरनेट के सेफ्टी के हवाले से थोड़े से टिप्स अगर दे दें। हाँ जी, ये बहुत जरूरी सवाल है मेरे ख्याल से, जो चंद अहम बातें उनमें से एक तो ये कि कभी किसी स्ट्रेंजर के साथ, ठीक है ना, अपनी इंफॉर्मेशन ना शेयर करें, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और ये कि अगर आप किसी अजनबी के साथ इंटरनेट पे अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते भी हैं तो अपने वालदैन के को ज़रूर बताइए, ठीक है। और यहाँ पे जो वालदैन और बच्चों का जो ट्रस्ट का रिलेशनशिप है वो बहुत ज़रूरी है, वालदैन को ये नहीं समझना चाहिए कि बच्चे भागे भागे उनके पास आएंगे, तो उनको भी अपने बच्चों के साथ एक तरह की कम्युनिकेशन और एक ट्रस्ट बिल्ड करना है कि ठीक है हम ये अच्छी चीज़ है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर आप कभी अपनी इन्फॉर्मेशन अव्वल तो ना करें, हाँ। लेकिन अगर करें तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि इसमें आपके वालदैन आपकी मदद ही करेंगे, वो आपका भला चाहते हैं। बिलाल, कैन आई आस्क यू समथिंग, आपके बच्चे हैं? जी हाँ जी हाँ। मेरे क्या अलाउ करें बता दें, क्या है आपके? मेरी एक बेटी है 13 साल की और बेटा है 9 साल का। आर दे अलाउड टू गो ऑन द इंटरनेट? Yes, but in a controlled environment. यानी आप क्या समझते हैं बच्चों को किस एज में मैं इंटरनेट खुले दे सकते हैं? अब ये पेरेंट्स टू पेरेंट्स वेरी करता है, लेकिन अब मेरी जैसे बेटी 13 साल की है तो अब वो इस्तेमाल करती है, लेकिन वो मेरे ख्याल से तो मे बी
15-16 साल की उम्र में जो है थोड़ी अकल आ जाए, थोड़ी और मैच्योरिटी आ जाए, और हमने उसको साथ साथ एजुकेट किया, उसको उसकी स्कूल में भी एजुकेशन हुई है, तो और हमने ये कहा हुआ है अपने बच्चों से, क्योंकि हम ये भी चाहते हैं कि बच्चे घर से बाहर निकलें खेलें, ये ना हो कि आप घर में जाएं और बच्चे जो हैं वो फोन के ऊपर लगे हों। तो मैं तो ये किया हुआ है कि उनको मैंने रोजाना का एक घंटे का कोटा दिया हुआ है, ठीक है, परफेक्ट। मैंने कहा कि एक घंटा आप मोबाइल फोन इस्तेमाल करें, टेबलेट इस्तेमाल करें, टीवी देखें, नो प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है आप लोगों ने पढ़ाई भी करनी है, आप लोगों ने घर के बाहर भी जाना है, खेलना भी है, दूसरे लोगों से मिलना है, क्योंकि ओवरऑल सोशल स्किल्स हैं जो कि बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का वो दौर है, कहते हैं ना, देखिए कमाल इस बात पे नहीं है कि अगर आपने अपने बच्चे को किसी बबल के अंदर बंद करके रख दिया है, कहते हैं ना कूजे में समेट के रखा है खामोशी से, क्योंकि वरना फिर जब वो फट के निकलेंगे तो फिर बहुत बुरे तरीके से निकलेंगे। अवेयरनेस हर चीज की दे, क्योंकि सूनर और लेटर दे फाइंड आउट एवरीथिंग। ये इन्फॉर्मेशन एज है, इसमें कोई चीज छुपी भी तो है नहीं, लेकिन इसके साथ आपका जो वैल्यू सिस्टम है, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, अगर आप अपने बच्चे को ये ना सिखा सके तो फिर तो फायदा नहीं है। तो दे सब कुछ, कहते हैं ना सोने का निवाला दो लेकिन शेर की निगाह से। तो यूजुअली इंटरनेट के आवाज से ये भी बोला जाता है कि पहले अगर आपने कंप्यूटर दिया हुआ या टैबलेट दिया, उनको बोलो जिस कमरे में आप खुद मौजूद है उसी कमरे में वो एक्सेस करें, उनको आना चाहिए। आई मीन माई 2-year-old इज एबल टू स्वाइप थ्रू माई सेल फोन एंड यू नो हिज टैबलेट, तो वो सब सही है, लेकिन इंटरनेट एक्सेस जब आप दे रहे होते हैं तो फिर मेक श्योर कि वो आपके सामने हो, टिल द टाइम वो उस एज ब्रैकेट में ना आए कि वो सही बुरे की तमीज कर सके। बिल्कुल, तो हम ये कोशिश करते हैं कि लाउंज है, लिविंग रूम है, जितना भी वो इस किस्म की एक्टिविटी करते हैं वो वहाँ पे करें। बिल्कुल, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब वो कभी किसी नई वेबसाइट पे जाएं या कहीं तो आके पूछते हैं। बिल्कुल, इसलिए कि हमने कोशिश की है कि हमारा इस तरह से उनकी कम्युनिकेशन हो कि उनको इसमें किसी किस्म की कोई फिक्र ना हो। Absolutely. लेकिन साथ साथ वालदैन के साथ उसके ऊपर डिस्कशन भी करते हैं। आई थिंक माँ बाप तो वो होते हैं ना जो कि एक फॉल बैक प्लान है हमेशा, एंड चिल्ड्रन शुड नो दैट एज़ वेल। कोई लास्ट मैसेज देना चाहते हैं बिलाल हमारे व्यूअर्स को, हमारी ऑडियंस को इस हवाले से? आई थिंक इसी मुनासबत से एक दो और चीजें भी बहुत जरूरी है। एक तो ये कभी अपना पासवर्ड मत शेयर करें किसी के साथ, क्योंकि किसी वाला के पासवर्ड की एक्सेस आ जाती है, क्योंकि उसके पास आपकी इन्फॉर्मेशन की एक्सेस आ जाती है। मेरे ख्याल से एक और बहुत ज़रूरी बात यह है कि अब सोशल मीडिया बहुत यूज़ हो रहे हैं, तो जो प्राइवेसी सेटिंग्स हैं, क्योंकि आमतौर पर आपने फेसबुक लिया, ट्विटर लिया, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन उसमें प्राइवेसी सेटिंग्स होती हैं जो कि ये बताती हैं कि आप क्या चाहते हैं कि आपकी पिक्चर्स, आपका कॉन्टेंट कौन देख सके, कौन ना देख सके। ये सब की सब सेटिंग्स आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा होते हैं कि ओ यार ये मेरी तस्वीर किसने डाल दी, कहाँ से डाल दी, और आप फिर हैरान होते हैं। उसकी एक वजह ये होती है कि आपने अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स जो हैं वो अब अपने हिसाब से कस्टमाइज नहीं की होती। ये बहुत जरूरी, क्योंकि इट इज योर वर्ल्ड, इट इज योर प्राइवेसी, योर स्पेस, दुनिया को हर चीज बताने वाली नहीं होती है। बिल्कुल, और ये जिम्मेदारी हमें भी लेनी है कि अगर हम किसी की तस्वीर या किसी का कंटेंट या किसी की बात शेयर करें तो पहले उससे पूछ लें। एब्सोल्युटली। और डिजिटल दुनिया में ये चीज, आप डिजिटल कहते हैं तो आपके जहन में आता है जैसे कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये मत समझें कि जिससे आप इंटरेक्ट करें वो भी हमारा जैसा एक जीता जाता इंसान है, ठीक है, उसके भी राइट्स हैं, हमारे भी राइट्स हैं। तो डिजिटल डज नॉट मीन कि वो इंडिविजुअल्स जो अगर आप गुफ्तगू करें दूसरे साइड में वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो एग्जिस्ट करते हैं, उनको हमारी प्राइवेसी का ख्याल करना है और हमें उनकी प्राइवेसी का ख्याल करना है। नहीं जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से जैसे मैंने कहा कि सेफ इंटरनेट जो है वो एक हम समझते हैं हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। आप लोग जरूर इंटरनेट इस्तेमाल करें, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इन बुनियादी बातों का जरूर ध्यान में रखें ताकि आप खुद मुतमईन रहें, आपके वालदैन मुतमईन रहें, और टेन और जोड़ इस्तेमाल की। जबरदस्त, थैंक यू सो मच बिलाल, जैसे इन्होंने कहा ये इनकी जिम्मेदारी है, बिल्कुल ये हमारी जिम्मेदारी कि जितनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाया जा सके, जितनी अवेयरनेस आप लोगों को हम दे सके, ये हमारी मीडिया की जिम्मेदारी है, और सही इन्फॉर्मेशन। तो जो छोटे मोटे हम टिप्स देते हैं उस पर गौर करें, अगर माँ बाप का यूजली ये एक एंगल होता है कि आजकल बच्चे तो सब कर लेते हैं हमें तो नहीं पता, भाई हमें टेक्नोलॉजी कुछ नहीं आता, तो सीखें अपने बच्चों के लिए सीखे ताकि वो आपको बाद में बेवकूफ ना बना सके और गलत चीजों पे ना लगे। ये आपकी जिम्मेदारी, औलाद आपकी है ना, तो और देना भी है आपको, तो फिर जिम्मेदारी भी आप ही की है। इसी नोट पे हम लेते हैं एक ब्रेक, क्योंकि इस ब्रेक के बाद
आज हमारे पास जो खातून हमारी जो सेलिब्रिटी गेस्ट आने वाली हैं हमारे देखो ये कौन आया सेगमेंट में, वो आएंगी और बहुत हमारे साथ मजे करने वाली हैं, बहुत सारी मस्तियां होने वाली हैं। कोई गेसेस हैं तो फेसबुक पे अपडेट करें हमें, हम बहुत जल्द फेसबुक लाइव भी जाने वाले हैं ताकि आप बिहाइंड द सीन्स बिहाइंड द कैमरा क्या उन्हें बनाया था हीरो जो भीड़ में थे खोए खोए। कल देखिए किसे सुनने का मौका मिलता है ओए होए। आ चुकी है वो वक्त आ चुका है डन 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 कौन सा वक्त आया है, लेकिन बहुत सारे वक्त आने वाले हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो क्योंकि जी हाँ आज का जो सेगमेंट आज जो हमारे पास सेगमेंट्स हैं वो आप लोगों के लिए बहुत मजे मजे के सेगमेंट्स प्लान किए हमने। लेकिन एक ऐसा सेगमेंट जो कि शुरुआत में ही स्टार्ट हो गया था और उसको मुझे उनको और सेगमेंट को ख़त्म करना पड़ा मुझे बिकॉज ऑफ कोर्स हमारा कुकिंग था रोज की टेंशन करना था, तो मैं सोचा कि क्यों ना पहले उनको बुला लिया जाए, अच्छा नहीं लगता बुरा लगता है क्यों, सही है ना। तो लेट्स वेलकम हमारा ऑफिशियली जो सेगमेंट होता है करने से होगा में विद अस वी हैव वासिफ। फिर से सही बता देंगी नहीं प्रॉमिस अब नहीं प्रॉमिस दे माफ कर दे आप माफ कर देना माफ कर दीजिए ना मैंने सीख लिया है और ये अच्छे बन गए लेकिन एक दफा आईना नहीं करेंगे लेकिन सॉरी ना सॉरी आपने सिखाया कि एक दफा के बाद दोबारा नहीं करना मैंने ये भी कहा था रिलेशनशिप में हां दैट डस मैटर सही है चलो फिर सही है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन सही है। अच्छा देखिए आप दो काम करते हैं एक तो वो लड़के तो थे ही थे सही है लेकिन उन लड़कों को बुलाने से पहले मैं चाहती हूँ भाई लड़कियां ना वो बिल्कुल ही लड़कियां बन के बैठी है फिर क्या किया जाए उनको जगाया जाए यार उनको क्या सिखाए कि क्या टेंशन है। तो मुझे लड़कियां यहाँ पे चाहिए एटलीस्ट कितनी मंगाऊं तीन चार पांच तीन मंगा तीन या चार हाँ तीन या चार दो यहाँ से कौन आना चाहती हैं आ जाएं और आ जाएं जल्दी से आ जाएं। अच्छा यहाँ से दो लड़कियां कौन आएंगी हाथ उठाएं लड़कियां आ जाएं और कौन आ जाएं जल्दी टेंशन की बात ही नहीं है इंजर पिंजर जब तक ढीले नहीं होंगे उस तक कोई काम होता नहीं है जिंदगी में सही है ना यस yes. अच्छा जी हमारे पास चार लड़कियां आ चुकी हैं ओके अब पहले तो मुझे बताएं ये तो बहुत ही छोटी हैं इनको भी एक्सरसाइज करने की जरूरत है एक्सरसाइज तो सबको करनी चाहिए बिल्कुल और एक ही किस्म की एक्सरसाइज देखें जो बच्चों की एक्सरसाइज होती है उसमें स्पोर्ट्स इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो जाती है जो छोटे बच्चे होते हैं बट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इसमें हम वेट वगैरह ज्यादा उठाते हैं कोशिश करना चाहिए कि 14 साल की एज के बाद वो आप करवाएं जिम वर्क यानी जो वेट लिफ्टिंग वगैरह होती है लेकिन फिजिकल एक्टिविटी स्पोर्ट्स रिलेटेड सॉकर हो क्रिकेट हो कोई भी हो वो सारी चीजें करनी चाहिए बच्चों तो वो अम्माएं जो अपनी बेटियों को बोलती हैं बेटा बाहर जाके मत खेलो क्योंकि रंग काला हो जाएगा फिर शादी नहीं होगी तो खुदा के लिए ऐसी सोच खत्म कर दें ठीक है कोई गेम्स खेलती हैं आप लोग मैं माइक उठा लूं जरा जल्दी से जल्दी मुझे बताएं आप खेलती हैं कुछ खेला है कभी जी बहुत क्या खेला पेलूच खो खो पकड़म पकड़ाई वगैरह जैसे गेम अच्छा पकड़म पकड़ाई छुपन छुपाई वहाँ कुछ फेवरेट कौन सा छुपन छुपाई पढ़ती हो yes. किस ग्रेड में सेवन में रैकेट बहुत खेलती हूँ रैकेट मीनिंग बैडमिंटन यस बैडमिंटन दैट्स वेरी गुड जी बैडमिंटन अच्छा बैडमिंटन खेलती है बच्चियाँ क्या नाश्ता नहीं किया आप लोगों ने नहीं डरी नहीं सहमी नहीं आवाज ही नहीं निकल रही कैमरे के सामने तो मेरी और आप जैसे लोगों की आवाज निकलती है बाकियों की तो वी विल गिव देम वी विल डिस्काउंट वी विल गिव वी डिस्काउंट फॉर दैट सही है। अच्छा अब इनके साथ क्या करें हम अच्छा देखें एक गेम ये कर सकते हैं कि पहले तो हम इनका वार्म अप स्टार्ट कराते हैं वार्म अप करते हैं चलें शुरुआत वार्म अप स्टार्ट इस तरह करेंगे ये हमारे पास एक स्क्वायर आसान सा वार्म अप कराना प्लीज वासिफ नहीं नहीं देखें बिल्कुल बेसिक फॉर्म हाँ आ जाएं यहाँ पे खड़े हो जाएं इधर क्या चले ये आपके पीछे ये एक स्क्वायर ठीक है हम स्टार्ट करेंगे ब्रिस्क वॉक से ठीक है जब हम कहेंगे रन
तो इनको जॉग करनी होगी, जब हम कहेंगे वॉक तो इनको स्लो वॉक करनी होगी, जब हम कहेंगे ब्रिस्क वॉक तो ये फास्ट वॉक स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आप चारों में से कौन सबसे अच्छा फॉलो करता है ना उसको मैं गिफ्ट भी दूंगी। जैसे अब जाग गए आप लोग, जाग गए गिफ्ट से, सब जाग जाते हैं। चले हाँ, गिफ्ट की एनर्जी स्टार्ट। अब आप जो आप करेंगे वही आप चले, आप लोगों ने मुझे फॉलो करना है, सही है? फिर आप रुक जाना, आप क्लू देते जाएंगे। यू हैव 3 क्लूज, वॉक, जॉग और ब्रिस्क वॉक। ओके, सही है, चले तालियां, कम ऑन वॉक, लाइन बना के अरे लाइन, पाकिस्तानियों लाइन बनाओ, जॉग तेजी तेजी, बड़ा सर्कल बनाओ, मेरे पीछे चलना है, और झूठे देखो जरा। Brisk walk means you go faster but not jog. Slow walk. क्या हम reverse jog कर सकते हैं? Okay, reverse jog. Backwards. कोई गिरना नहीं। जूते निकाल दे please. अपने जूते निकाल दे तो निकालना चाहिए। गिरना नहीं। All right, अच्छा। ये लिबास आप इसका यूज इस्तेमाल करें। देखें, जब भी एक्सरसाइज करें, एक मिनट प्लीज, जूते निकाल दें। जब भी एक्सरसाइज करें, प्रॉपर शूज होने बहुत जरूरी है। अगर शूज ना हो तो शूज ऑफ कर दें, बेयर फुट, फिर स्टेबिलिटी बेहतर होती है, बजाय इसके कि आपने कोई ऐसे शूज पहने हो जिससे आपका एंकल ट्विस्ट हो जाए। और वो भी नहीं, मतलब आपके ये जो काव्स है उसमें तकलीफ हो सकता है, बहुत टांगों में दर्द होगा। फिर आप बोलेंगे वासिफ ने तो एक्सरसाइज कराया था तो उल्टे ही काम हो गए, लेने के देने अच्छा, yes, exactly, उल्टा मेरे ऊपर ब्लेम आ जाएगा। अच्छा, कुछ एक्सरसाइज मुझे थोड़ी सी मॉडरेट इंटेंसिटी करानी है, डेफिनेटली इस अटायर के अंदर हम नहीं कर सकते, बट उससे पहले एक शॉर्ट एक्टिविटी इस तरह की कर लेते हैं, ठीक है? कि दो लोग वहाँ पे खड़े होंगे, आ जाएं, दो यहाँ आ जाएं, जल्दी, वक्त कम, मुकाबला सख्त, हमेशा जिंदगी ऐसी होती है, आप दो यहाँ, दो उधर आ जाएं। अच्छा जी, अब अच्छा दो स्टेप पीछे खड़े हो, आपने करना क्या है, एक दफा ये मेरी राइट टीम है, ये मेरी लेफ्ट टीम है, अगर मैं राइट बोलूंगा तो आपने जल्दी से जाके उस बॉटल को टच करना है और वापस अपनी जगह पे आ जाना है, ठीक है? क्लू आपने सही से सुनना है, या लेफ्ट होगा या राइट होगा, ठीक है? दोनों में से कोई एक जा सकता है। अच्छा, आप सही है, दो स्टेप पीछे हो जाएं, इस लाइन से पीछे हो जाएं, लाइन बना दें, आप इनके पीछे आ जाएं प्लीज, एक लाइन बनाए आप, नहीं नहीं साइड में ठीक है, साइड में ठीक है। अब अगर दोनों एक साथ आ गए आउट हो जाएंगे तो इनका पॉइंट कम हो जाएगा। हाँ, ठीक है। अगर दोनों ही डिले आए तो भी पॉइंट कम हो जाएगा। सही है इसी तरह। ओके, 3, 2, 1 लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, पीछे पीछे हटो ना, एक एक कदम राइट, इनका पॉइंट कम होगा। ओके, लेफ्ट -10 फिर माइनस, लेफ्ट राइट लेफ्ट, टच करना है राइट, जल्दी जल्दी लेफ्ट, आवाजें करो right. अपने बच्चों के लिए आवाजें करो, राइट लेफ्ट, फिर माइनस, उनके सिर्फ एक प्लेयर खेल रही हैं। क्यों भाई, उनके सिर्फ एक प्लेयर खेल रही है, कोऑर्डिनेट करो, टीम वर्क। ओके, राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट, आप भी खेलो, आप खेलो, कम ऑन हो गया। अच्छा, कौन आ रही है? इन्होंने पॉइंट ज्यादा लूज किए हैं, बिकॉज उनके क्लू पे ये लोग जा रहे थे, उनके पेस बहुत स्लो था, रिफ्लेक्सेस थोड़ा स्लो काम कर रहे हैं। अच्छा, ये एक्सरसाइज इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू करना, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट जब आप किसी चीज को सुन के रिस्पॉन्ड करते हैं, किसी चीज को देख के रिस्पॉन्ड करते हैं, तो इसका मतलब आप अपने रिफ्लेक्सर्स को कितना अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर रिफ्लेक्सर का रिस्पॉन्स है, लेफ्ट राइट कोऑर्डिनेशन, राइट टू लेफ्ट कोऑर्डिनेशन, आर्म टू लेग, लेग टू आर्म, ये सारी चीजें डेली लाइफ में बच्चों को स्पोर्ट्स में जरूर खिलानी चाहिए। इस तरह की एक्सरसाइज बहुत आसान सी है, आप बच्चों को जरूर करवा लें, कुछ आप इस तरह की प्रैक्टिस कर लें जिसमें वर्बल क्यूज के साथ आप अपनी बॉडी को यूटिलाइज करें। इनको मैं आप इनके जगह पे भेजूं, लड़कों को बुला लें। अच्छा, ये लड़कियां जाएं, लड़के आ जाएं जिनके साथ थोड़ी मेहनत करवा सके, आ जाएं भाग भाग के आ जाएं। वो ही चार नौजवान आ जाओ, चार लड़के जो शुरू में मुस्टंडे जो आए थे बड़े जोश और वलवले के साथ सुबह, भाग के आ जाए। अच्छा, जब तक ऑफकोर्स ये आते हैं हमारे पास ब्रेक का टाइम हो जाएगा, लेकिन अभी तक जो वासिफ हमें समझा रहे हैं वो यही है कि वार्म अप कैसे करना है। ये जितनी एक्टिविटी है, हर वो काम जिससे आपकी सांस
चढ़ जाए, आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाए, वो वार्म अप होता है। दिल की धड़कन तो और रीजन भी हो सकती है बढ़ाने के लिए, बट इन टर्म ऑफ फिजिकल एक्सर्शन, अगर आपका ब्रीदिंग पैटर्न इम्प्रूव हो गया, बढ़ गया, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर इम्प्रूव करने के लिए वार्म अप जरूरी है। तो हर वो एक्सरसाइज जो कि रिदमेटिक हो, आइदर वो ब्रिस्क वॉक हो, वो जॉगिंग हो, स्टेयर क्लाइंबिंग हो, वो बार बार रिपीटेटिवली रिपीट हो रहा हो एक ही मूवमेंट में, कितनी देर तक? देखिए मिनिमम अगर आप वार्म अप कर रहे हैं तो 3 to 5 minutes जरूरी है, ठीक है। वैसे फ्रीक्वेंसी इसका जो वॉल्यूम होता है 10 to 15 minutes का होता है। अगर आप प्रॉपर इंटेंस वर्कआउट करने जा रहे हैं तो 10 मिनट का वार्म अप जरूर करें। वासिफ एक स्टूपिड सा सवाल जी, ठीक है, मैं स्टूपिड से कह रही हूँ क्योंकि आप बोलेंगे कि तुम्हें तो ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे चाहती ये हूँ कि जितनी आवाम देख रही है हर कोई ये जान ले, मिसकंसेप्शंस बहुत सारे होते हैं। बिल्कुल, घर बैठी औरत जिसके 3 बच्चे या 4 बच्चे हैं वो बोलेगी ये क्या बच्चों वाले गेम खिलवा रहे हैं। मुझे बताएं क्या उनके लिए एक ही जगह पे खड़े रहकर हम अगर ये वाले एक्सरसाइजेज हो तो तेज तेज से करें, या एक ही जगह होकर वो यू नो स्किप करें या जंप कर लें, तो क्या उनकी ये 5-10 मिनट? मैं आपको एक इसकी एग्जांपल तो नहीं बल्कि इसको मैं क्लियरिफाई करना चाहूंगा। देखें द रीजन इज कि हम लोग प्रायोरिटी देते नहीं है। कुकिंग करनी है तो फ्रिज से सब्जी भी निकाल रहे हैं, काट भी रहे हैं, गाजर भी डालेंगे, खीरे भी डालेंगे, मीट भी आएगा, व्हाइट मीट भी आएगा, वेरिएशन देंगे। बट व्हेन इट कम्स टू एक्सरसाइज, देखें एक्सरसाइज जिंदगी का एक हिस्सा है। जैसे आप सोते हैं, खाते हैं और पीते हैं, और इसी तरह आपकी दूसरी जरूरियात हो रही है, एक्सरसाइज भी इसी तरह एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप खाने को अगर टाइम दे रहे हैं, रेस्ट को टाइम दे रहे हैं, तो अपने एक्सरसाइज को भी टाइम दें। ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज वही है जो मैं बता रहा हूँ। अगर आप किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं वो कर लें, अगर आप डांस एरोबिक्स कोई भी इस तरह की एग्जीक्यूशन कर सकते हैं वो जरूरी है, बिकॉज बॉडी डिजाइन हुई है ह्यूमन बॉडी मूवमेंट के लिए। बेस्ट टाइम क्या होता है एक्सरसाइज करने का? देखें बेस्ट टाइम वो है जब आपको फ्री टाइम मिल जाता है, ठीक है, रात के वक्त भी चलेगा। अगर मिस हो गया है तो कभी ये मत सोचें तब करना। अगर मैं ये कहूँ कि सुबह के वक्त बेस्ट टाइम है तो लोग सोचेंगे आज सुबह तो निकल गया, मैं शाम में वर्कआउट नहीं करती या नहीं करता। एग्जैक्टली, तो इसलिए आपको जो बेस्ट टाइम मिल रहा है 20 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जितनी देर भी मिल रही है एक्सरसाइज जरूर करें, और आसान से आसान कोशिश करें वेरिएशंस के साथ। देखें मैं अभी इसीलिए बात कर रहा था कि ऐसी एक्सरसाइज होनी चाहिए जिसमें आपकी बॉडी थकनी भी चाहिए, ऐसी एक्सरसाइज होनी चाहिए जिसमें आपकी बॉडी का रिस्पॉन्ड और बैलेंस दोनों इंप्रूव हो। जो हमने अभी एक्टिविटी की ये बहुत आसान सी है, बट आप इसके अंदर अगर देखेंगे तो आपके सुन के रिस्पॉन्ड करने की सलाहियत, लेफ्ट टू राइट बैलेंस। वक्त अभी एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, गए तो 4 लड़के थे, आए सिर्फ 2 हैं, ये वही 2 है ना, बाकी 2 लगता है वापस चले गए, दो लोग और मिल गए मुझे। आज लेते हैं एक ब्रेक, वापस आएंगे तो इन लड़कों को हम कोई ना कोई कंपटीशन करवाएंगे इनके साथ, ये कितने पानी में पता चलेगा। आप अगर घर में बैठे हैं तो उसको जरूर देखें, ट्राई टू डू इट विद देम, फॉलो देम, ताकि आपको भी कोई फायदा हासिल हो। सो लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ, स्टे ट्यून्ड। जो राजी न थे उन्हें कोशिश की थी मनाने की, कल देखिए मिसेस खान क्या टिप देती हैं जोड़ी बनाने की। डू 15 रैप्स के 3 सेट्स, सो विल डू 1 2 3 4 5 6 7 8 15, 5 सेकंड का रेस्ट लें, लेग चेंज करें एंड देन अगेन रिपीट। यू विल डू 3 सेट्स मींस कि 15 रैप्स करने हैं, फिर 5 सेकंड का ब्रेक लेना है और ये एग्जीक्यूशन आप करेंगे 3 दफा, ठीक है। तो 15 रैप्स ऑफ कर्लअप्स, उसके बाद नेक्स्ट एग्जीक्यूशन में करवा रहा हूँ आपको स्ट्रेट आर्म प्लैंक। प्लैंक में जस्ट स्ट्रेट आर्म रखने, दोनों टोज स्ट्रेट, और इस बॉडी पोस्चर को होल्ड करना है फॉर 30 सेकंड्स, ठीक है। तो पहले आपने 15 रैप्स के कर्लअप्स किए 3 दफा, फिर आपने 30 सेकंड का ये प्लैंक होल्ड करना है। सेकंड्स वाला टाइमर अपने मोबाइल पे या घड़ी पे लगा के रखेंगे, 30 सेकंड हो जाएंगे, फिर 5 सेकंड का रेस्ट लें और उसके बाद दोबारा से रिपीट करेंगे सेम एग्जीक्यूशन फॉर 30 सेकंड्स। अच्छा, जब ये एक्सरसाइज आप कर रहे हो कोशिश कीजिएगा कि आपका एब्स जो है ये टाइट रखें, सांस बिल्कुल भी होल्ड नहीं करनी है, बैक को बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठाना है या फिर नीचे की तरफ ड्रॉप नहीं करना है, आपकी बैक के लिए सेफ नहीं है। अच्छा, जो लोग इस एक्सरसाइज को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं उनसे ये पोस्चर मेंटेन नहीं हो रहा, इसकी एक आसान फॉर्म है स्पेशली फीमेल्स जो लोग बिगनिंग फॉर्म में करना चाहते हैं, दोनों नीज जमीन पे टच करके बैक को स्ट्रेट कर लें, ये इसकी इजीएस्ट फॉर्म है। अगेन इसके भी आपने 3 दफा सेट्स करने हैं, 30 सेकंड के टाइमर के साथ हम इसको करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट एग्जीक्यूशन में ऑब्लिक्स के लिए करवा रहा हूँ, वापस 1 leg को क्रॉस करना है, राइट इनटू लेफ्ट, राइट एल्बो से टूवर्ड लेफ्ट, ट्राई टू टच, अगर आपकी एल्बो टच हो जाती है वुड बी इवन बेटर, अगर टच ना भी हो तो स्ट्रेट हाथ के साथ जस्ट क्रॉस द नी एंड गो बैक,
across the knee and go back to the floor. Okay, now this execution ko 10 times dono side karna hai. 10 times right, 10 times toward left. Theek hai? Again, is exercise ke hum karenge 3-3 sets of 10 reps. ये थी तीन एग्जीक्यूशन जो हमें एब्स की अपनी एक्सरसाइज में इंक्लूड करनी चाहिए आफ्टर द वार्म अप. अच्छा, एक डिटॉक्स रिंग मुझे बड़ी जबरदस्ती बनानी है आपके लिए. बिल्कुल, आप हमारे पास टाइम है. बिल्कुल टाइम है अभी. आज ये जितनी एक्सरसाइज अभी आपने बताई है हमारे एब्स के लिए. पेटों का मसला खवातीन का एक बहुत बड़ा होता है. कहती है यूजली कि हम खाते नहीं है, लेकिन फिर भी बेबीज जिनके हो जाते हैं खास तौर पे टमी का एक बहुत बड़ा इशू है. डेफिनेटली पतली भी होती है तब भी पेट निकला हुआ होता है. अच्छा, कुछ लोग वाकई ऐसे होते हैं जो आपने बात बोली कि हम खाते नहीं है. कुछ लोग वाकई ऐसे होते हैं जो खाना बहुत कम खाते हैं, लेकिन कम खाना खाने की वजह से आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, हमें दिन में 5 से 6 मील्स खाने चाहिए, स्मॉल मील्स इंक्लूडिंग 2 or 3 स्नैक्स मील्स जिसमें फ्रूट या सैंडविचेस वगैरह भी हो सकते हैं, और 3 मेजर मील्स. जो लोग ये सोचते हैं कि हम डाइट पे हैं या हमें वेट कम करना है तो हम दिन में 2 दफ़ा खाना खा लेंगे, हम दिन में 1 दफ़ा खाना खा लेंगे, वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं. कम खाना खाने की वजह से, मील्स की फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इतना एफिशिएंटली काम नहीं करता, एंड प्लस मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है क्योंकि बॉडी को एफिशिएंट कैलोरीज नहीं मिल रही होती, तो बॉडी का एक सेल्फ मैकेनिज्म होता है. खाना चाहिए हर थोड़े थोड़े वक्फे के बाद खाना खाना चाहिए. और खाने में ये नहीं कि आप चावल खा रहे हैं हर थोड़े 3 मिनट बाद, हर 2 घंटे में एक बिरयानी का प्लेट जा रहा है, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है. बैलेंस खाना क्या खाना चाहिए? बैलेंस खाना खाना चाहिए. अच्छा, बैलेंस मतलब क्या हुआ वो हम जरूर बताएंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का. और आज हमारे लिए वासिफ जो है एक डिटॉक्स ड्रिंक भी बना रहे हैं. बैलेंस खाना क्या होना चाहिए और डिटॉक्स ड्रिंक कैसे बनना चाहिए वो आज हमारी ऑडियंस भी सीखेगी, आप जो हमें देख रहे हैं वो भी सीखेंगे. और आई नो आप तो अभी फॉरन ही ये देख कर जाएंगे और जाके अभी बना लेंगे और पीना शुरू कर लेंगे, विच इज वेरी गुड, विच इज वेरी हेल्दी. लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ. आगे बढ़ते हैं. वक्त आ गया है जब वासिफ से हम डिटॉक्स की रेसिपी जानने वाले. और वासिफ को मैं कह रही थी ब्रेक के दौरान, वासिफ आप तो बहुत सुगड़ है, कहते बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ ब्रेकफास्ट के हद तक. तो एक दिन इनसे ब्रेकफास्ट भी बनवाएंगे, देखेंगे कितने पानी में. ये डिटॉक्स ड्रिंक कैसे बनना है? अच्छा देखिए, डिटॉक्स ड्रिंक से बहुत सारे होते हैं. डिटॉक्स ड्रिंक का पहले मैं आपको बता दूँ रीजन क्या होता है. क्या होता है? एक तो ये कि इसके अंदर आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने वाले इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड. ठीक है, इसके अलावा वो चीज़ें जो कि आपकी बॉडी से केमिकल रिएक्शंस को इम्प्रूव करते हैं और आपकी बॉडी का हाइड्रेशन लेवल इम्प्रूव करते हैं. ठीक है, तो हम यूज़ कर रहे हैं इसमें लेमन. ठीक है, मिंट लीव एंड क्यूकम्बर. खीरा, पुदीना और नींबू. किसी भी किस्म के ग्राइंडर की जरूरत नहीं है, सिर्फ चिल्ड वाटर चाहिए और थोड़ी सी आइस चाहिए. अच्छा, ये ड्रिंक आप थ्रू आउट द डे इस्तेमाल कर सकते हैं. एक कंटेनर के अंदर या जार के अंदर भर के रख लें या पानी की बॉटल के अंदर भर के रख लें और सारा दिन पानी पीते रहो. ठीक है, हम स्टार्ट करें. लेमन कुछ मैंने काट के रख लिए थे थोड़े से. बिल्कुल सही. एंड अभी खीरे काट रहे हैं. मैं एक जरूर सवाल वासिफ आपसे पूछना चाहती हूँ, ये पानी ठंडा पीना चाहिए, कुछ देर रख कर पीना चाहिए? ठंडा पानी इज रिकमेंडेड. जितनी भी एक्सरसाइज की जो फ्रीक्वेंसी वो गाइडलाइंस होती हैं, खासतौर पर ACSM, वो कहते हैं कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं आपके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. ठीक है, ठीक है. उस टेम्परेचर को रेगुलेट करने की जो चीज़ होती है वो होती है आपके पास पानी. ठीक है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेटर है वो पानी है. तो पानी ठंडा पीना चाहिए. पानी ठंडा पीने की वजह से होता क्या है कि आपकी बॉडी जो है वो फौरन से टेम्परेचर लो करती है और आपकी प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस को थोड़ा और. लेकिन अगर कोई सोकर उठा है जी तो वो भी ये पानी पी सकता है, कोई टेंशन तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. निकाल के पी ले? हाँ, आप पी सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपने इसमें लेमन डाला हुआ है और ओवर द नाइट मैं रिकमेंड करूंगा ना रखें, फ्रेश बना के रख लें क्योंकि बहुत ज्यादा देर तक लेमन वाली चीज को नहीं रखना चाहिए. ठीक है, तो सुबह अगर बनाया हो तो उसके 1 घंटे बाद पी लूं? हाँ, या तो आप लेमन काट के साथ रख लें. ग्लास में डालें लेमन को, जैसे कि अभी मैं ये वाला ग्लास. चले आप डालें. ठीक है, और पूरे पूरे स्लाइसेस डाल दें, स्क्वीज करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, और इसमें पानी जा सकेगा? इतना कुछ भर दिया, ग्लास बहुत छोटा है. यानी कि कितना खीरा होना चाहिए और कितना नहीं, क्या मिकदार क्या यूज़ करें? मैं आपको बताता हूँ. देखें, सबसे ज्यादा क्वांटिटी जो है वो लेमन की होनी चाहिए. ठीक है, पानी के बाद. ओके, चिल्ड करने के लिए आप आइस भी यूज कर सकती हैं और ठंडा पानी भी यूज कर सकते हैं जो आप डेफिनेटली चाहे तो फ्रिज के अंदर रख लीजिए. ठीक है, अच्छा अब ये पानी मैं थोड़ी सी देर के लिए रख देते हैं इसको. ठीक है, ना इसका कोई कलर चेंज होगा और ना ही कोई फ्रेग्रेंस में चेंज. और ये जग बना के रख लें और बाबा रिफिल करें और पिए. यस, इसके अंदर मैं मिंट लीव पूरी पूरी स्टिक डाल सकते हैं लाइक दिस. और अगर आप
कभी गेस्ट आ जाते हैं, बच्चों को कुछ चीज चाहिए, ड्रिंक बना के देनी, इसके अंदर अगर आप कोई फ्रेश जूस ऐड कर लेंगे तो इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, ये लुक्स ब्यूटीफुल। वैसे तो हाँ, मैं फिजी ड्रिंक्स नहीं पीता इतना ज्यादा और ना ही मैं रिकमेंड करता हूँ, बट अगर दिल चाहा तो, अगर ठीक है आप पीते हैं फिजी ड्रिंक्स तो फिजी ड्रिंक्स के अंदर भी इसको बना के टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो एक तो वासिफ ने डिटॉक्स ड्रिंक बताया, आई वुड रिकमेंड कि आप सब ट्राई करें। ये तो वासिफ ने बनाया, और वासिफ फिर आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप आके अपनी सीट पे बैठ जाए, क्योंकि अब हमारे पास एक बहुत ही खास मेहमान आने वाली हैं। जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बोल आईने बोल का दिन है आज, तो आज हमारे आईने में कौन नजर आने वाला है वो दिखाते हैं। आइए देखें पहले। जिसने कम उम्र में ही कर दिया था काम का आगाज, पर फिर भी अपनाया सबसे मुनफरिद अंदाज, मॉडलिंग की तो रैंप पर आग लगा दी, एक्टिंग में भी अपनी शान दिखा दी, फिल्म स्टेज टीवी जो भी जगह हो, कौन है जो इन्हें न जानता हो, सबके दिलों पर जो करती हैं राज, आ रही हैं ए प्लस के इस सेट पर वो आज, लीजिए आखिर आ गई उनके आने की घड़ी, आपकी जोरदार तालियों में तशरीफ ला रही हैं जिया अली। जिया, सबसे पहला सवाल, क्लमजी है? नहीं नहीं है, जनरली नहीं, आपको देख के हो जाती हूँ, स्पेशली इतना अमेजिंग सेट A plus, welcome to Karachi with Thank the big you amazing so much, show. Dear. I'm Thank so excited you. to be here today. I'm especially. so glad you're here. वैसे छोटी-छोटी मुल्कों में, देशों में छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं. Clumsiness definitely हम models को नहीं होती, because we wear lot of heel. इतनी लंबी heel के साथ, so we just The poise and the pose yes. हम बात कर रहे थे आपके बारे में पहले, और मैं बता ही थी even वासिफ को, मैंने कहा वासिफ पता है आज जिया अली आने वाली है, तो पता है इन्होंने क्या कहा? She's an amazing yogi. Oh, so thank you. It is like that. कितने अरसे से योगा कर रही हैं? It's been 8 years altogether. Yes. अभी तो बल्कि I'm learning Tai Chi also. Wow. And my जिसे कहते हैं मेरा passion बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता being meditator. हर वक्त एक मुरातबे की स्टेज में रहना, जो कि मैं समझती हूँ कि it's just so amazing to learn. क्या अगर मैं ये सवाल पूछूं क्यों, तो आप हमें बता सकती हैं ऐसा क्यों? आर्टिस्ट क्योंकि इतने जिंदगी में इतने सारे डिफरेंट रोल से गुजर चुका हुआ होता है, और उसके लिए उस लम्हे में रहना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज एज मी हैज डन लॉट ऑफ मॉडलिंग एंड एक्टिंग एंड फिल्म, सो डेफिनेटली आई वॉज ऑल ओवर, यू कैन से ऑल माई लाइफ, एंड जब ये रियलाइज किया कि देर इज अ वेरी वेरी गुड यू नो टैलेंट अराउंड अस, जो कि कई सौ सालों से पहले है, जिसको मेडिटेशन कहते हैं या जिसको योगिक पॉस्चर में मेडिटेशन कहते हैं, तो उसको लर्न करने का और उसमें जिंदगी गुजारने का इट्स जस्ट टोटली डिफरेंट हाई। तो आप रिकमेंड करेंगे हर किसी को करना चाहिए? मैं हर इंसान को, स्पेशली अपने पाकिस्तानी बहनों को, जिन्हों के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां होती हैं घर की और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और हमारे इस टाइट से मुआशरे में भी वो इतना कुछ कर रही हैं, उनके लिए मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि वो लोग योगा करें, वो लोग मेडिटेशन सीखें, क्योंकि हमारे मजहब ने भी दिन में 5 दफ़ा अगर हमें नमाज के लिए कहा और मुराकबे के लिए कहा, तो वो इसीलिए कहा ताकि हम अपनी एक बेहतर से बेहतर फैमिली बना सके। जी हाँ, माशाल्लाह, यू ऑलवेज बीन वेरी बिजी विद वर्क, हमेशा कोई ना कुछ काम करती रही, आजकल क्या मसरूफियात है? एक फिल्म की भी है, वो रिलीज होगी थोड़े दिन में, अदरवाइज आई एम वर्किंग ऑन माई हेल्थ क्लब। You're opening up a health club. Yes, I'm working on with some international people, and जहाँ पे tai chi, yoga, meditation, dance, singing, whirling. कहाँ पे हो रहा है? कराची में हो रहा है? Definitely कराची में इससे शुरू करूँगी, and then we're going to be traveling. और future में definitely I'm going to be opening a big detox center for our people. A very big hand. क्या बात है यार?
थैंक यू सो मच। यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है, यहाँ पे लोगों को हेल्थ के लिए बहुत कम अवेयरनेस है। तो यू रिकमेंड कि आपको ऐसा लगता है कि वैसे खुद से जो लड़कियां कहती हैं हमें तो हम तो खुद भी नहीं कुछ भी नहीं करते, हमें नेचुरली इतने स्लिम एंड स्मार्ट है, वो झूठ बोलती है मेहनत के बगैर कोई नहीं हो सकता? नहीं, मैं समझती हूँ देर इज अ सर्टन एज जब आपकी माओ ने आपका इतना ख्याल किया होता है बचपन में और वो उसको आप एक सर्टन 7-8-10 साल के लिए इंजॉय कर रहे होते हैं और आप कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आप ये अनकॉन्शियसली भूल जाते हैं कि आपकी माँ ने आप पे बहुत काम किया हुआ जो कि अब तक नजर आ रहा है। और खैर अल्लाह मियाँ सबकी माएँ हमेशा सलामत रखें जो कि रियलिटी नहीं है, तो आपका जब सरबरा जाता है तो आपको अपना बहुत सारा ख्याल खुद रखना सीखना पड़ता है और स्पेशली शादी से पहले तो मैं समझती हूँ लड़कियों को सबसे पहले अपनी हेल्थ का ख्याल रखना शुरू सीखना चाहिए खुद से ताकि वो अपनी एक अच्छी फैमिली बना सके। बिल्कुल पते की बातें कर रही हैं जिया बहुत ज्यादा। अच्छा जिया, मुझे एक ऑफकोर्स हर कोई जानना चाहता है कि अभी आपकी फिल्म तो रिलीज हो रही है लेकिन बहुत सारी पाकिस्तानी फिल्म वैसे भी रिलीज हो रही हैं, आपके क्या तासुरात है उसके हवाले से? आई एम वेरी हैप्पी, मुझे याद है कि जब भी कौन सी लेटेस्ट कौन सी मूवी देखी बताए पहले फंसा दिया मैंने अगर मैं कहूँ कि मैंने जो तीनों फिल्म हमारी अभी आई है, एक जहान आई है, एक जाना जहान थ्री फिल्म, आई रियली अप्रिशिएट देम ऑल ऑफ देम। और सीरियसली मैं ईद के बाद इतनी बिजी थी लेकिन मैं बारी बारी सब देखूंगी और मुझे पता है कि उन सब की इतनी डिफरेंट स्टोरी है और वो सब पाकिस्तान की डिफरेंट क्लास के लिए बनाई गई है जो कि इतना हेल्दी एक साइन है पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लिए कि जो हमारे यहाँ एक तरह की फिल्म बन रही थी, एक क्लास के लिए फिल्म बन रही थी, अब डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स में इतनी अवेयरनेस आई। और सबसे अच्छी बात यह कि बाहर से प्रोडक्शन आके और मल्टीनेशनल कंपनी हमारी फिल्म में इन्वेस्ट कर रही है विच इज वेरी वेरी, और इन तीनों फिल्मों ने बहुत डिफरेंटली लोगों को एंटरटेन किया है ईद पे। आई एम सो प्राउड ऑफ आवर इंडस्ट्री। आपने देखी कोई मूवी अभी रिसेंटली? मैंने एक्टर इन लॉ देखी। कैसी लगी आप? बहुत अच्छी। सेम हियर, आई रियली एंजॉयड इट। अभी बाकी दो मुझे भी देखनी बाकी है। वक्त अभी एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे वापस आएंगे। जिया के लिए एक बहुत ही खास गेम है हमारे पास, आप तो जानते हैं वो गेम जो कि है बोल आईने बोल। जिया को अभी बताएंगे हम और इनके साथ खेलेंगे, देखते हैं इनका आईना आज इनको क्या बोलता है। सो लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। सेगमेंट में आप बोल आईने बोल गेम खेल रहे हैं और जिया को हमने आईने के सामने बिठा दिया है। जिया का आईना आज उनसे क्या कुछ बोलता है वो जिया खुद भी देख लेंगी, हमारी ऑडियंस भी देखेगी और आप भी देखेगा। वासिफ पीछे बैठे हैं खामोशी से और वो भी इंजॉय करने वाले हैं। वासिफ फील फ्री टू से एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू एनी थिंग यू वांट। ठीक है जिया, आईने में देख रही है, तफसीली जवाब दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है, बात कर रही है आप आईने से। ठीक है जी, पहला सवाल आईने को जवाब दें प्लीज। जिया मेकअप के बिना घर से कभी नहीं निकलते? नहीं, जब लाइव शो हो और कार लेट हो रही हो तो थोड़ा सा कर लेती हूँ, अदरवाइज मैं मेकअप नहीं करना पसंद करती ज्यादातर। जिया को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है? नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आता है। जिया को शादी का बिल्कुल शौक नहीं है? है। फिर क्या हुआ, कब मिल रहा है दूल्हा राजा? आई थिंक वो दूल्हे की लक है। जिया को जूते जमा करने का ही नहीं बल्कि मारने का भी बड़ा शौक है? ओह माय गॉड। हाँ, ऑन एंड ऑफ। किसको पड़े हैं जूते? जो नियरेस्ट होते हैं बेचारे वही फंसे। सीरियसली? ओह माय गॉड। लास्ट ये वाकया कब पेश आया? अभी लेटली तो सीरियसली मैंने दो दिन पहले अपने बिल्ले को मारा है बिकॉज़ ही वाज़ वेरी नॉटी। अदरवाइज जो मेरी कीमती हीले है वो मैं कोशिश करती हूँ कि ना ही मारू, तो मैं कोई और चीज उठा के मारू। क्या मोबाइल फेंका है कभी? नहीं, मोबाइल भी बहुत महंगा चल रहा है। पत्थर वत्थर रखती है? इट्स यूजुअली रिमोट टेलीविजन। ऑलराइट, दैट्स फाइन। चलो, वो सस्ता है ना। अच्छा जी,
जी आप एक बहुत अच्छी बाथरूम सिंगर हैं। यस आई एम। कुछ गा के तो सुनाए। यार ये टास्क मुश्किल है। आईना आईना गा रहे हैं। मुझे गाने याद नहीं होते, मुझे धुन याद होती है। जरे गुनगुनाई ले आप। गुहे बारिया ते नाले कंदा टपके, बुहे बारिया ते नाले कंदा टपके, आवांगी हवा बनके। कह दी है। Oh my God, सही है, बाथरूम सिंगर नहीं है आप, सॉलिड सिंगर है। I love singing anyway. तो जिया को क्या पसंद है ज्यादा, मॉडलिंग, एक्टिंग या सिंगिंग? मैं सारी जिंदगी इन तीनों में कंफ्यूज रही हूँ। मुझे लगता है कि अल्लाह का करम है कि मैंने जहाँ भी मेहनत की है मुझे इज्जत मिली है। सो आई थिंक फिल्म पे देख के आपको लगता है कि वाओ, बट मॉडलिंग पैशन है। ओहो जिया अक्सर ख्वाब में डर जाती हैं। ओह ऐसा होता है भाई? डराती हूँ मुझे तो लगता है। किन किन को डराती हैं? वही नियरेस्ट डियरेस्ट बेचारे फंसते हैं हमेशा, स्पेशली माय ओल्ड फ्रेंड्स जिनको एक दिन पहले कुछ धमकी मिली होती है तो वो उनको मैं ख्वाबों में जाकर डराती हूँ। जी आप क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकते? नहीं सीरियसली, मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ओल्डेस्ट फ्रेंड्स हैं, अगर वो मेरा मजाक ना उड़ाएं या मेरे बारे में कोई बुरी चीज़ें ना कहें जो कि दोस्तों को नजर आती हैं, तो मेरा खाना नहीं हजम होता। मैं मेक श्योर करती हूँ कि कोई मेरा मजाक उड़ाए, स्पेशली क्लोज फ्रेंड्स, और मैं हंसूँ उस पर और मैं एक्सेप्ट करूँ। सो आई लाइक दैट, आई जस्ट लाइक क्रिटिसिज्म। जिया को बहुत सारे, जिया के बहुत सारे दुश्मन? नहीं है, मेरी लड़ाई है लोगों से। अच्छा ये तो शीशा था, ये तो कौवा कहाँ से आ गया? हमने कौवा ऊपर पाला हुआ है। ओह माय गॉड, सेट के ऊपर उड़ता रहता है, जब भी उसको लगता है कि शायद कहीं पे कोई गड़बड़ है। मेरी दुश्मनियां नहीं है सीरियसली। अच्छा? मेरी किसी से भी दुश्मनी नहीं है। मैं सोशलाइज कम करती हूँ लेकिन मेरी दुश्मनी किसी से नहीं। अच्छा ऐसा है? देखिए बहुत ज्यादा अगर झूठ अगर ऊपर पहुंच जाएगा तो शीशा टूट जाएगा झूठ करके। तो नहीं मैं नहीं डरती। नहीं मैं नहीं डरती, लीडर है, बहादुर है। अच्छा जी, जिया एक निहायत ही खूबसूरत लड़की है? नहीं। यहाँ तो शीशा टूट जाना चाहिए यार। टूट गया, दो दफा टूट गया। ओह माय गॉड, नहीं मुझे लगता है कि अभी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। किस किस चीज में? नाक में, किस में, कान, आंख, क्या करवा रही हैं आप? नहीं खूबसूरती शायद मुझे लगता है कि अंदर से होती है। सो आई एम इम्प्रूविंग एज स्पिरिचुअल एज योगी। आई डोंट थिंक सो कि हम लगे, हमें लगता है कि हम खूबसूरत हैं, हमें लगता है कि अभी और कुछ चाहिए। तालियां, ब्यूटीफुल रिप्लाई। खूबसूरत ही नहीं, बोलती भी बहुत खूबसूरत है। अच्छा जी, जिया को लगता है कि वो बहुत ही अच्छी होस्ट है? आपसे बेहतर नहीं हूँ मैं, इसलिए कोई मॉर्निंग शो नहीं किया आज तक। हाँ मैं घर में बहुत अच्छी होस्ट हूँ, मुझे लोगों को खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे दिल करता है कि ये जो एक फॉर्मेलिटीज है कि आप बड़े फोन करके आते हैं, मुझे लगता है कि अभी तक वो रस्में रहनी चाहिए और हैं मेरे कुछ दोस्तों में कि दे जस्ट नॉक द डोर के भाई खाना दो एंड चाय दो एंड सॉर्ट ऑफ वेरी। ऐसा ही होना चाहिए, आई मस्ट से टू दैट। अच्छा जी, जिया को कपड़ों का बहुत शौक है? बहुत शौक है, मतलब थोड़ा ये जो आपने भी कहा ना कि खूबसूरती, मैं अपनी बदसूरती इसमें भी गिनती हूँ कि मुझे जरूरत से ज्यादा कपड़ों का शौक है। पागलपन की मतलब जी। जिया को क्लासिकल डांस बिल्कुल पसंद नहीं? मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज आई एम लर्निंग क्लासिकल। रियली? थोड़ा करके दिखाएंगे? था सही सही था।
कराऊंगी नेक्स्ट शो पे, नेक्स्ट शो पे कराएंगे उस वक्त थोड़ा आ जाएगा फिनिश। नहीं आ नहीं जाएगा, उसके लिए मूड चाहिए होता है, सो आई एम नॉट जी आप बहुत मूडी हैं। है, मैं हूँ मूडी। ऐसा है, बिल्कुल है, बीइंग आर्टिस्ट आपको मूडी होना चाहिए, इरिटेटिंग नहीं होना चाहिए, मूडी होना चाहिए, सो आई एम मूडी। जिया एक बहुत ही बदतमीज खातून है। नहीं नहीं खबरदार शिशोर। जिया को नहीं, मैं थोड़ी नहीं मैं थोड़ी सी बदतमीज हूँ मुझे मारेंगे। नहीं मैं थोड़ी सी बदतमीज हूँ, थोड़ी सी बदतमीज हूँ, वो हर इंसान होता है, देखिए nobody is perfect, so I think. जिया को ट्रैवलिंग से नफरत है। मुझे ट्रैवलिंग से बहुत प्यार है, आई कांट लिव विदाउट ट्रैवलिंग। लोग कहते हैं कि जहाज का खाना बहुत बुरा होता है, ये होता है, और मैं कोई एक महीना भी जहाज की चाय या खाना ना खाऊं, कितनी कुछ मिसिंग है लाइफ में, बहुत कुछ मिसिंग है। तो पायलट बन जाती, स्टूअर्ड बन जाती। सीरियसली अगर मेरी एंगेजमेंट रही है एक पायलट से बहुत 6-8 साल, और उसका रीजन यही था प्रॉब्लम, मुझे खुद पायलट बनने का शौक था। जिया को रिश्तों से घबराहट होती है। नहीं आई एम स्टिल लिविंग विद माई ब्रदर्स, लाइक वी आर जॉइंट फैमिली, सो मुझे रिश्तों से बिल्कुल घबराहट नहीं होती, आई कांट लिव विदाउट फैमिली। जिया को लंबे बाल बहुत पसंद है। बिल्कुल पसंद नहीं, एज यू कैन सी मैंने घर सर शेव कराया था, आई रिमेम्बर, सबको याद होगा। तो बालों से आज आई हुई यार, इस जो प्रोफेशन हमारा है, और स्पेशली कराची जैसे शहर में जहाँ पानी वैसे ही कम है और बहुत गंदा पानी है, यहाँ पे बाल मेंटेन करना और बालों से प्यार करना बहुत मुश्किल है, तो कटवा दो, एक्सटेंशन ज्यादा बेस्ट। चले जी, आई थिंक जिया ने बहुत ही कोई मार्वलेस जवाब दिया है। आईना कोई बहुत ज्यादा टूटा नहीं, एक ही दफा टूटा था, और कव्वे ने भी एक ही दफा काम नहीं की। बहुत सारी तालियों में जिया अली, थैंक यू सो मच, आ गए अपनी जगह पे। अच्छा जी, वासिफ आपने सारे सवाल सुने। यस, एक दिन आपको मैं बिठाने वाली हूँ, काफी खौफनाक। और फिर आई एम रियली कीन टू नो कि वासिफ क्या जवाब देने वाले हैं। आप इतने ही ऑनेस्ट जवाब देंगे जैसे हाँ, जितने जिया ने दिए उतने मैं भी। नथिंग टू हाइड, हाँ नथिंग टू हाइड, ऐसे ही है। वैसे मैं शीशे में देख के बात करता नहीं है, फेस टू फेस कर ले ज्यादा बेहतर। अच्छा आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ लड़कियां शीशे में देखती हैं? डेफिनेटली लगता नहीं, ऐसा ही है। क्या ऐसा है, सिर्फ लड़कियां ज्यादा शीशे में देखती हैं आजकल, लेकिन लड़के भी उतना ही टाइम लगाते हैं? तो फिर उसका मतलब है कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अंदर कुछ है। मेरे पास एक बहुत ही सीरियस सवाल था, मैं चाह रही थी कि वो सवाल ले लूं, वक्त की कमी है, लेकिन इनसे पूछूंगी नहीं। सवाल बेसिकली ये था कि जो एक्सरसाइजेस आज आपने बताए थे वासिफ, और इसी को आप अगर अपना मैसेज भी बना दे, सवाल ये था कि क्या कोई ब्लड प्रेशर का अगर मरीज है या जिसको डायबिटीज है, वो भी ये तमाम एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और ये डिटॉक्स वाटर यूज कर सकते हैं? किसी को भी मेडिकल कंडीशन अगर है, प्लीज अपने फिजिशियन से, अपने डॉक्टर से पहले कंसेंट जरूर ले लें कि आप किस किस्म की एक्सरसाइज करने के लिए अलाउड हैं। एक्सरसाइज करना सबको चाहिए, चाहे वो हार्ट पेशेंट हो, चाहे उनको ब्लड प्रेशर का कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी इंजरी हो, कोई भी चीज़ हो, इवन के इंजरीज ठीक भी होती हैं विद एक्सरसाइज, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देता है, आपका जो फैट का स्टोरेज बॉडी के अंदर है वो कम होना शुरू हो जाता है, लिपिड प्रोफाइल इंप्रूव हो जाती है। तो ये सारी बीमारियां एक्सरसाइज से ठीक होती हैं, बट आपके डॉक्टर जो है वो बेहतर तरीके से आपको बताते हैं कि जी आपने अभी रनिंग नहीं करनी क्योंकि आप अलाउड नहीं है बहुत ज्यादा इंटेंसिटी, अभी आप सीढ़ियां ज्यादा ना चढ़ा करें, आपका वेट ज्यादा है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो आपने लो इम्पैक्ट से स्टार्ट करना है, सिर्फ बेसिक वॉक वगैरह कर लिया करें, खासतौर पर जिनको ब्लड प्रेशर है और ज्यादा रहती है टेंशन, उनको प्रॉब्लम होती है, वो एक्सरसाइज जो कि झुका के होती है, जो कि मैंने बेंट ओवर पोजीशन करवाई थी, वो बिल्कुल ना करें। जो एक्सरसाइज जिसमें सर से ऊपर कोई चीज उठानी हो जबरदस्त, वो मूवमेंट भी ना करें। स्टिल मैं कहूंगा कि जब आप कोई भी रिजीम स्टार्ट करें, डॉक्टर से जरूर कंसल्ट ले लें, और माइल्ड इंटेंसिटी की एक्सरसाइज तो हर किसी को करनी चाहिए। एक्सीलेंट, फैंटास्टिक, आई थिंक दैट आंसर्स द क्वेश्चन जबरदस्त, थैंक यू सो मच वासिफ जी। आपका आज के दिन का मैसेज क्या होगा? एक तो ए प्लस को स्पेशली, मैं आज पहली दफ़ा ए प्लस के शो पे आई हूँ कराची सेंटर से, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, इसी तरह लोगों को काम की बातें बताते रहें, सीरियस बातें बताते रहें, स्पेशली क्योंकि अब मैं खुद हेल्थ शो शुरू करना चाह रही हूँ, मैं हर चैनल से जो जितने लोग देख रहे हैं स्पेशली ए प्लस से कहूँगी कि आप तो पंजाब में बहुत फेमस हैं और इतनी आवाम को ज़रूरत है इस वक्त एक हेल्थ टिप्स की,
सो प्लीज अपने अपने सेगमेंट्स में कोई एक सीरियस हेल्थ सेगमेंट्स रखें, बिकॉज हमारे आवाम को इस वक्त एक स्ट्रेस और एंजाइटी से निकल के एक बेहतरीन इंसान बनने की बहुत जरूरत है। बहुत सारी तारीफ। हेल्थ के बारे में जरूर बात करते हैं, ठीक है, ये जरूरत है ना वाजिम, इट्स अ नीड ऑफ द टाइम। हम सब सच, आप तो मुझे भी जानते हैं, हम अपनी जिंदगी में आई थिंक अपनी सेहत को सबसे लीस्ट प्रायोरिटी देते हैं, और इन द एंड क्या होता है, जब बीमार हो जाते हैं फिर होते हैं ओहो, अगर पहले ख्याल रख लिया होता तो अच्छा होता है, और खर्चा भी बच जाता। बिल्कुल, पैसा खर्चा डॉक्टर को देने से बेहतर था, जिम पे लगा देते, कम पैसे में काम हो जाता। लेकिन ये है कि हम अपने आप को भी टेक इट फॉर ग्रांटेड, क्योंकि जिस्म आपका जो एक मशीन है, अगर इस मशीन का आप प्रॉपर ख्याल नहीं रखेंगे तो ये आपको ज्यादा अरसे लंबे नहीं चलेगा, फिर बहुत जल्दी बीमारियां शुरू हो जाएंगी, और वक्त से पहले वही कहते हैं ना, हम कहते हैं अल्लाह मियां जिंदगी दे तो सेहत के साथ दे, किसी की मोहताजी में ना रखे, तो यहाँ वो मोहताजी और वो सारी चीजें जो बीमारियां वो सही ख्याल ना रखने से होती हैं। अच्छा जी, आई होप आज आप लोगों को बड़ा मजा आया होगा, हमारे शो से कोशिश की है कि बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ शेयर करें, मस्ती मजाक हमारे साथ साथ चलती रहती है। आज एक छोटा सा, आप जो हमारा शो बहुत गौर से देखते हैं और ये बात सही है कि सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में ए प्लस को बहुत अच्छी तरीके से शौक से देखा जाता है, तो पाकिस्तानियों ने आज एक चीज जरूर मिस किया होगा और वो है डॉक्टर बिल्किस का सेगमेंट। तो डॉक्टर बिल्किस का जो सेगमेंट है वो आज इसलिए नहीं हो सका क्योंकि एक हमारे पास एक अफसरदा खबर थी, और वो ये कि डॉक्टर बिल्किस के जो वालिद साहब हैं वो इस दुनिया से पानी से कूच कर चुके हैं, उनका वफात हो चुका है, इसलिए डॉक्टर बिल्किस हमारे बीच में नहीं है। मैं चाहूंगी और मेरी इल्तिजा आप तमाम लोगों से, देखिए हम सब एक फैमिली की तरह होते हैं यहाँ पे, और अपना जब कोई चला जाता है तो यही होता है कि किसी के गम में और किसी की खुशी में शरीक जरूर होना चाहिए। आज मेरी इल्तिजा ये है कि हम सब अपनी दुआओं में डॉक्टर बिल्किस के वालिद को याद रखें, उनके लिए फातिहा जरूर पढ़ें, अल्लाह मियां उनके खानदान को सब्र दे और मरहूम को जन्नत में आला मकान दे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी नोट के साथ कि जिंदगी बहुत छोटी होती है, सीज द मोमेंट, आज के लिए जिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज कल पे मत डालें कि कल कर लूंगा ये, यू नो हम अपने ऊपर टाइम नहीं लगाते, अब वो चीजें जो कि एक्चुअली मीनिंगफुल होती है उस पर हम टाइम नहीं देते, तो आज कल का ना सोचें, जो गुजर गया उस पर ना पछताएं, आज को सीज करें और अपना ख्याल रखें, यही मेरा आज का मैसेज होगा। सायरा कबीर हमारे मेहमान, हमारी ऑडियंस, हम सबको, हमारी पूरी टीम को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।